एक और अहम खबर आपको दें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वजीर आला कुद्दूस बिजंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद तारिक मक्सी मुस्ताफी हो गए थे। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताइएगा, बीएपी के नवाबजादा तारिक मक्सी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जी ऐसा कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कद्दूस बिजंजो के खिलाफ 14 अरकान के दस्तखतों से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी शामिल थे। नाराज धड़े की क्यादत साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल खान कर रहे थे, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी जो इरीगेशन के वजीर थे, उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफा कायम मकाम गवर्नर जान जमाली को गुज़िश्ता रोज ही पेश कर दिया था, जिसके बाद उनका इस्तीफा आज मंजूर कर लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के 65 रुकनी ऐवान में जो सबसे बड़ी जमात है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप पार्टी के नाम से भी याद किया जाता है, इसके 24 अरकान हैं, लेकिन ये जमात दो दड़ों में तकसीम है। एक दड़े की क्यादत वजीर अला बलूचिस्तान मीर कद्दूस बिजंजो, जबकि दूसरे दड़े की क्यादत साबिक वजीर अला बलूचिस्तान जान कमाल खान कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसके अरकान की तादाद 11 है। इस तरह तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जिसके 10 अरकान है। इसके बाद तहरीक इंसाफ की जमात आती है, जिसके 7 अरकान है। ये भी तकसीम का शिकार है इस वक्त अदम एतमाद के मामले पर। इसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 नुमाइंदे ऐवान में मौजूद हैं, अजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 नुमाइंदे मौजूद हैं। इसी तरह एक एक दीगर जमातों के जो अरकान है वो भी मौजूद है, और अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 33 अरकान की जरूरत है। तो अब ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है, कब तक वोटिंग की जाएगी तरीके अदम एतमाद पर? अभी तक क्योंकि इसका शेड्यूल बलूचिस्तान असेंबली सेक्रेटरिएट की जानिब से कोई जारी नहीं हुआ, शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सिर्फ जोर तोड़ किया जा रहा है और मुख्तलिफ जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि कामयाबी उनके पास है। कद्दूस बिजंजो अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि वो कामयाब हैं, और ये जो अरकान जिन्होंने अदम एतमाद लाया ये शुरू दिन से ही नाराज थे उनसे, इसलिए उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब जो अदम एतमाद लाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है वज़ीर आला खुद उसकी वजह बने, इसलिए कामयाबी उनकी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद।